Happy birthday to dear Polly. Happy birthday to you. Hello and welcome back to my YouTube channel. Namaskar, apnalok sokoloke mur YouTube channel loi punor bar swagatam janaisu. Guys, it's my birthday. और अभी मैं हूँ पटाया में. आप लोगों ने अगर पहले वाले व्लॉग्स देखे होंगे या फिर रॉ रियल के व्लॉग्स देखे होंगे तो यू गाइज नो कि वी आर इन थाईलैंड टू सेलिब्रेट माई 25th बर्थडे सिल्वर जुबली. और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ. अभी पूल से ही आप लोगों को वेलकम कर रही हूँ क्योंकि इसके बाद हम जाने वाले हैं जन्नत क्लब में जो कि है पटाया वॉकिंग स्ट्रीट. तो हमने वहाँ पे रिजर्वेशन एंड ऑल कर लिया. तो वी कैन सेलिब्रेट बर्थडे देयर. और फिर उसके बाद कल का भी बहुत कुछ प्लान. कल का मतलब बहुत कुछ ऐसे वो प्लान नहीं है जो हम शायद बॉम्बे में होते तो सरप्राइज़ वरप्राइज़ प्लान हो पाता, पर यहाँ पे हम अलग एक कंट्री में है तो ये पॉसिबल नहीं है. पर फिर भी हम जितना कुछ कर पाएंगे सेलिब्रेट करने के लिए वो करने वाले. और फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप बर्थडे के लिए वो बहुत बड़ी बात है और मेरे लिए बहुत ख़ास है क्योंकि इससे दिस इज़ आर सबका, मतलब हम जितने भी लोग आए, मैं, सौरभ, भाषा, हम तीनों का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है मेरे बर्थडे के लिए. सो वी आर वेरी एक्साइटेड. और इसके बाद हम जाने वाले जन्नत क्लब. स्टे ट्यून्ड फॉर दैट. और अभी मैं होने वाली हूँ रेडी फॉर माय बर्थडे पार्टी इन पटाया. तो मैं पहली बात तो मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि मुझे कौन सा पहनना है. एक है आस्क सौरभ सवा एटू पेन्टू जो मैं तीन देखाई पेन्टू देन एटू पिंक टॉप ना लगे. हाँ तार एटू एटा ड्रेस ब्लैक ड्रेस तो पिना एटू ड्रेस ब्लैक ड्रेस. तो अब हमारा थीम होगा ब्लैक क्योंकि सौरभ ने भी ब्लैक पहना है और आई एम आल्सो गोना वेयर ब्लैक. एंड आई एम रेडी, मतलब वी आर रेडी. अभी हम जा रहे हैं जन्नत क्लब वॉकिंग स्ट्रीट में. चलो दिस इज माई आउटफिट. बैग निकाल के दिखा थोड़ा सा. दिस इज माई आउटफिट. And this is our outfit. Black. बहुत अंदर से बहुत अच्छा दिख रहा है. जन्नत जन्नत में आज जन्नत. ओह नाइस. नजर ना लगे मेरी बहन को. ये तो अलग भगवान और सौ दी मिली. মই যে সিদিনা তোমাক ডায়মণ্ডডাল চোৱা বুলি কৈছিলো সেইডাল অকণমান এনেকুৱাই আছিল. মই যে তোমাক কৈছিলো সেইদিনা ডায়মণ্ডডাল এনেকুৱাই অকণমান দেখিবলৈ. এংক্লেট এইটো কাইলৈ বিচত পিন্ধি যাম. এইটো কি বস্তু? এংক্লেট ক'ত পিন্ধে? হাতত বহি পিন্ধে.
kindly ini sabar ite today and always hey you kitte order disla enne disuamo na ba forever 21 alo bosa tumi night dress forever 21 palisa और बर्थडे से कल आने के बाद मतलब 12 बजे हमने रात को सेलिब्रेट किया, जैसे कि आप लोगों ने देखा जन्नत क्लब में। और फिर उसके बाद होटल आके हमने केक कट किया एंड नाउ वी और आज हम जा रहे हैं, मतलब 22 अगस्त को अभी हम जा रहे हैं थ्री मोमेंट्स कैफे, जिसका थीम है ब्लू और आई एम ऑल्सो वेयरिंग ब्लू। एक्चुअली हम तीनों ने ही ब्लू शेड पहना है, मतलब कोइंसिडेंटली हमारे कलर्स भी मैच हो रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं थ्री मोमेंट्स कैफे, वहाँ पे थोड़ी देर हम ऐसे ही इन्जॉय करेंगे और कुछ तो और कुछ क्या ही करेंगे यार, बर्थडे में इन्जॉय करेंगे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे एंड देन एक दो शॉट लेना है भाष्वत को उसके कुछ अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए विद सौरभ, तो वो लोग वो भी करने वाले हैं। नाउ वी आर गोइंग टू थ्री मोमेंट्स कैफे टू सेलिब्रेट माई 25th बर्थडे, लेट्स गो। हाय, आर यू रेडी टू सेलिब्रेट? ओ बा दुटा मजा के चश्मा पिंधि ऊल से भल लगे आक देख वेरी जेंटल एंड वेरी मैन ऑफ प्रिंसिपल। Who is the prince? और अभी हम जा रहे हैं जैसे कि बोला थ्री मोमेंट्स कैफे एंड ऑलमोस्ट सेम ही पहन के जा रहे हैं हम मोमेंट्स बन के जा रहे हैं। हाँ, और मुझे बुरा ये लग रहा है कि मुझे कहीं से भी लोग फोन नहीं कर पा रहे विश करने के लिए, क्योंकि जो मेरा नंबर है वो ऑब्वियसली कनेक्ट नहीं हो रहा है और मैंने सिम नहीं लिया है मतलब यहाँ पे आके, क्योंकि एक्स्ट्रा 300 भर चला जाता उसमें। सौरभ और भाष्वत ने लिया है अपने लिए एक सिम, एक सिम, और मैं इनके वाईफाई में हॉटस्पॉट लेके चला रही हूँ। और होटल में तो वाईफाई है ही तो वहाँ पे चल जाता है, पर बाहर मैं जब भी आती हूँ तो मेरा नेटवर्क नहीं रहता है, मतलब काम नहीं करता ऑब्वियसली, तो कोई भी मुझे फ़ोन नहीं कर पा रहा है, घर से भी फ़ोन नहीं कर पा रहे, फिर भी वीडियो कॉल किया अभी। बट या बर्थडे के दिन अगर हर कहीं से ऐसे फ़ोन आते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। एनीवे इस बार थोड़ा अलग एक्सपीरियंस किया मैंने बर्थडे पे। मेरे थ्री मोमेंट्स कैफे जाते हैं, कैफे का दुनिया, मोमेंट कैफे इज ब्यूटीफुल, तो सभी व्यू मतलब उसके अंदर बहुत अच्छा है, तो हम लोग जाके वहाँ पे फोटो वोटो खिंचवा सकते हैं, वीडियोस बना सकते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग बैठ के खाएंगे, राइट, बाकी टाइम हम लोग चलते रहेंगे। দশটা বজাতে ফোন করব পারলি হয়, কারণ আমি দুঘন্টা আগত আছো। সরি মই জান্নাত আছিল দে, এতিয়া 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 ভালকে উইশ কর, এটু কি শুভেচ্ছা থাকিল আর কি শুইছো দেখা নাই, দাদাই দাদাই ফটোখন ভিডিঅটো দেখুৱা নাই, সি আৰু অজগৰ, সব আমি এইবিলাক সাহসী। और हम पहुंच गए हैं, और हम पहुंच गए हैं थ्री मोमेंट्स कैफे। सो ये है पूरा व्यू एरिया। ओ यार फोटो उठिए जाओ बाबा बबू सर, माय एरिया जा दुनिया ले से मिली गई से थीम तो। ओए होए सर मां गई क्या, फोन काटती मम्मी आ गए क्या, ए लड़की ए वाह की मोम लगी सर। ओ पे पाजी पाजी ओए पाजी दिस इज ओके हरलेश को गाने सो ब्यूटीफुल, मतलब मेरा दिल खुश हो गया। मैं वैसे आने के बारे में मतलब मैं इतना नहीं सोच रही थी, सौरभ ने बोला कि चलो चलो अच्छा है एंड इट इज इनडीड वेरी ब्यूटीफुल गाइस, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा, वाओ वे बैड सो ब्यूटीफुल एंड दिस इज द बीच व्यू सी व्यू, वाओ वाओ गाइस।
इतना अच्छा लग रहा है जो नेस्ट, दिस इज द नेस्ट एरिया जो कि हमें एक्स्ट्रा बुकिंग करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि ये प्लेस बहुत ही पॉपुलर है तो यहाँ पे सारा का सारा बुक ही रहता है, तो ये टेबल भी बुक है, सारे टेबल्स बुक ही है। तो दिस इज दी सोफा काउच एरिया और वो वाला है नेस्ट एरिया। तो आप लोग अगर उनको कॉल करके बुकिंग करने की ट्राई करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है क्योंकि लैंग्वेज उन लोगों को भी समझ में नहीं आता है, तो इट्स बेटर कि आप लोग जाके ऑनलाइन वहाँ पे रिजर्वेशन कर लीजिए, मतलब बिना फ़ोन पे बात किए हुए, देन इट विल बी नाइस। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग फोटो खिंचवाते हैं, चलो। वेरी नाइस कॉन्सेप्ट रे गाइस, ये देखो वहाँ पे उस बंदे ने उसको प्रपोज किया है, विल यू मैरी मी करके। वाओ, सो रोमांटिक ऑफ देम, सो रोमांटिक। ओ तुम भी करोगे मुझे, विल यू मैरी मी? ऐसे नहीं, ऐसे देखो उन लोगों ने जैसे किया है ना, इसके और अलग लेवल में करेंगे है। ओके, आई विल वेट। কি ব্লগত ব্লগত কৈ দিছে আকৌ দেই, কিয় ভাল জেগা তো নাইস নাইস, মেরা দিল খুশ হো গিয়া, দিল খুশ হো গিয়া, মজা আ গিয়া। और अभी हम ऑर्डर करने वाले हैं क्रैब्स विद गार्लिक। ये हमने गोवा में ट्राई किया था, एग्जैक्टली ये नहीं है पर गोवा वाला बहुत यम था, तो वी कैन ट्राई दिस क्योंकि ये क्रैब नहीं खाता है और मतलब ऐसा सी फूड या फिर वो कुछ नहीं खाता चिकन के अलावा, तो उसके लिए हम ऑर्डर कर रहे हैं पाइनएप्पल फ्राइड राइस। वो पाइनएप्पल फ्राइड राइस और चिकन और की इसलिए पापा चिकन 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 स्टीयर फ्राइड विद कैश्यू नट्स। बर्थडे सेलिब्रेशन इन पटाया, कैसा लगा? मजा आया गाइस, थ्री मर्मेड कैफे, थ्री मर्मेड कैफे में बहुत ज्यादा मजा आया, जन्नत में उतना मजा नहीं आया टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। वो एक ऐसी दुनिया है जहां से हम बिलोंग नहीं करते और हम रिलेट भी नहीं कर पा रहे थे उन सारी चीजों से, सो बाद में बहुत ऐसा अजीब सा ही लगने लगा। अदो वैसे बाकी सारा मतलब सब कुछ ही अच्छा था, और आज खासकर जब हम थ्री मॉमेज कैफे में गए, इट वॉज लाइक रियल जन्नत जो हैविन होता है, इतना सुंदर लगा ना, तो मज़ा आया। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था इस बार बर्थडे पे मेरे लिए, क्योंकि पहली बात तो मेरा मतलब हमारा पहला आउट ऑफ इंडिया फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, और फिर उसके बाद ऐसे पहली बार फैमिली से तो वैसे दूर रहती हूँ मैं, पर फिर भी हाँ 12 बजे भैया का फ़ोन आ जाता है, सबका फ़ोन आता है और पूरा दिन ऐसे फ़ोन पर बात करते, इस बार वैसा कुछ भी नहीं हुआ है और हम वैसे ही यहाँ से वहाँ घूम रहे, दो अलग एक्सपीरियंस डेफिनेटली है, पर यही लाइफ है, अलग अलग एक्सपीरियंस करते रहना चाहिए हमें, खासकर बर्थडेज पे। या ट्रैवलिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप ट्रैवल करते हो तब आप रियलाइज करते हो कि कितना अलग कल्चर है और कितने इट्स सो डिफरेंट, और वही मतलब हर जगह की ब्यूटी, हर जगह का कल्चर, सब कुछ अलग होता है, तो उन सारी चीज़ों से हमें नॉलेज मिलती है और हमारी मुलाकात होती है।
अलग अलग कल्चर्स से, अलग अलग लैंग्वेजेस से. सो यस, बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आया मेरे 25th बर्थडे पे. आई एम हैप्पी कि मैंने कुछ अलग किया, कुछ अलग एक्सपीरियंस किया इस बार. अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था. तो और थैंक यू सो मच सबको जिन लोगों ने विश किया. आई एम रियली सॉरी, किसी का भी फ़ोन ऑब्वियसली मुझे नहीं आ रहा है, तो मुझे पता भी नहीं किस किसने फ़ोन किया. जिसने मैसेज में बोला है उनका ही पता है. एंड जिसने भी मैसेज किए, जिन जिन लोगों ने मैसेज किया, थैंक यू सो मच. हो सकता है मैं पर्सनली सबको नहीं रिप्लाई कर पा रही हूँ बिकॉज इट्स टफ. मेरे पास नेटवर्क भी हर वक्त नहीं रहता. जिस वक्त होता है उस वक्त मैं ट्राई करती हूँ जो जो लोग हैं उनको रिप्लाई कर दूँ. बाकी बहुत सारे लोग होंगे जिनको रिप्लाई नहीं कर पाई मैं, बट थैंक यू सो मच फ्रॉम the bottom of thank you so much from the bottom of no less thank you so much from the bottom of my heart thank you so much from the bottom of my bottom from the bottom of my heart from the bottom of my heart thank you so much from the bottom of my heart I love you all. मैं मिलूंगी आप लोगों से मेरे next व्लॉग में जो कि पताया थाईलैंड का ही होने वाला है. एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, आई लव यू ऑल. लव यू टू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सुरमा, हैप्पी बर्थडे टू यू. उल्टा हो गया, सीधा कर दे, सीधा कर. हाँ खड़ी माँ खड़ी, मैना खड़ी, मैना मैना मेल 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 मेल